अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल वास्तु टिप का। वास्तु टिप में मैं आपको आज एक खास चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी किचन को, आपने सुना होगा कि किचन अग्नेय कोण में हो, वी डोंट आस्क, हम पूछते नहीं है कि अग्नेय कोण का क्या मतलब है और किचन इधर होने से क्या मतलब बनता है। अग्नेय कोण मतलब फायर का प्लेस, अग्नेय यानी फायर्स प्लेस। फायर है क्या, हमारे घर में फायर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? लिक्विड कैश, जो पैसा, मूवमेंट ऑफ मनी है, जो कैश है, वो लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है फायर। तो जब आपकी किचन यहाँ पर होती है और फायर की जगह पे बार बार किचन में ही फायर जलती है, फायर की जगह में बार बार फायर जलती है, तो लिक्विड कैश के इश्यूज नहीं होते। सपोज करते हैं आप अपार्टमेंट में रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि भैया नहीं हो सकती किचन साउथ ईस्ट में, अब तोड़ के थोड़ी ना बनाएंगे। जब ये शास्त्र लिखे गए तब मालूम नहीं था लोगों को कि लोग एक दिन 100 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में भी रहेंगे। स्पेस कंस्ट्रेंट्स, हम हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली फैल रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो कैश कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसको दूर करने के लिए रेड कलर की चीज़ें अगर आप साउथ ईस्ट में ले आएँ तो आपके यहाँ पे कैश फ्लो की इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होने लगेंगे, पैसे की तंगी दूर होने लगेगी। बाय सिंप्लीफाइंग योर लाइफ आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल तरीका आप समझिए कि कोई इंसान गोल्फ खेल रहा है और उसके बाल पूरे खुले हुए हैं तो गेम में उतना एफर्ट नहीं आएगा, स्विंग में डिस्टर्बेंस होगी। बाल बांध लेंगे तो गेम बेटर हो जाएगी, कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। कैप या हैट पहन लेंगे तो भी यही होगा। सिमिलरली अपने घर में सिंपल चेंजेस कर अगर एनर्जी ठीक तरीके से कंसंट्रेट होती है तो छोटी छोटी चीज़ें करने में हर्ज भी क्या है, ट्राई कीजिए, फर्क खुद समझ में आएगा। अब वक्त हो गया है आपकी हेल्थ टिप को बेटर करने का। हेल्थ से मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है इस समय पर, कोविड के टाइम पर इम्यूनिटी तो बढ़ानी ही होगी, इसके लिए आपकी बॉडी में ओजस बढ़ना चाहिए, यानी कि एनर्जी हैज़ टू फ्लो कम्प्लीटली फ्रीली थ्रू द बॉडी। इसके लिए आप 3 चीज़ों को मिक्स कर पानी पीजिए। जीरा, यह आपकी बॉडी में क्लेरिफिकेशन करता है। साथ ही हल्दी, यह आपकी बॉडी में, क्योंकि इस समय मौसम ठंडी का है तो आप थोड़ी सी हल्दी और कच्ची हल्दी लें तो और अच्छा, जो अदरक जैसी होती है, ये डालकर इसके साथ साथ थोड़ा सा काली मिर्च को क्रश कर या ऐसे भी बॉईल करके पी लीजिए। ये आपकी बॉडी में सारे पाथवेज को क्लियर करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो डू ट्राई इट एंड इट टेस्ट डिलिशियसली वेल। अब मैं आपको देती हूँ आज की खास टिप, टिप फॉर द डे। टिप फॉर द डे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हम घर में आसपास छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ये आपके प्लैनेट्स को इन्हेंस करती हैं। आपने सुना है जब हम छोटे होते थे तो हम स्कूल जाते थे एग्जाम से पहले और मम्मी बोलती थी कि दही चीनी मिक्स करके, शक्कर और दही मिक्स कर खा कर जाओ, और हम चुपचाप मुँह में चम्मच डाला निकल गए, लेकिन हम पूछते नहीं थे कि इससे क्या होता है। सो दही और शक्कर जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये वीनस और मार्स, शक्कर मतलब वो गुड़ का चूरा, चीनी नहीं, ये वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ये आपको एक विल पावर देता है और साथ ही साथ ये एकदम इंस्टेंट जो बॉडी लेवल एंग्जाइटी में आ जाता है, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल डिप कर जाता है, एंग्जाइटी में शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, उसको भी बूस्ट करता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ जो आप तब समझते थे कि सिर्फ वहम है और सुपरस्टिशन है, इट हैड लॉट ऑफ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज़ दैट कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई बड़ी मीटिंग पे जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, जहां आपको लगता है नर्वस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दही शक्कर खा कर जाया करें। जब आप ये खा कर जाएंगे तो प्लैनेटरी वाइज भी आपको सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ साथ आपके अंदर ग्लूकोज लेवल, इंस्टेंट रश ऑफ एनर्जी रहेगा, आपके एनर्जी लेवल डाउन नहीं होंगे, आप नर्वस होकर एकदम हिम्मत नहीं हारेंगे, इट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर एनर्जी। सो इसी के साथ मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल मैं फिर आपसे मिलूंगी आप ही के शो आपका लक मीटर में, जिसमें हम आपके लक, आपकी डेस्टिनी को बेटर करने की आपके कर्मों के जरिए बात करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड।